दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई ATS ने गिरफ्तार तो कर लिया है और उसके बाद उसे UPSTF को भी सौंप दिया गया है। गौरतलब है कि आरोपी ने गुनाह भी कबूल कर लिया है कि उसने योगी को मारने की धमकी दी थी। यूपी के लखनऊ गोमती नगर थाने में आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि कौन है आखिर ये आरोपी। बता दें कि मुंबई ATS द्वारा गिरफ्तार CM योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स की पहचान कामरान के रूप में की गई है। वह मुंबई का ही रहने वाला है, झवेरी बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, परंतु साल 2017 में उसकी स्पाइन TV का ऑपरेशन हुआ था जिसके बाद से उसने नौकरी छोड़ दी और अब वो बेरोजगार है। फिलहाल वो कोई काम नहीं करता। कामरान के परिवार में उसकी माँ, बहन और एक भाई भी है। बता दें कि कामरान के पिता टैक्सी चलाते थे और 2 महीने पहले ही उनकी भी मौत हो गई है। बड़ा भाई इमरान का अली खान, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। कामरान की मां शीरीन पहले शिक्षिका थी लेकिन अब फिलहाल वो भी कोई काम नहीं करती। बहन जरीन मेहंदी की क्लासेस करती है। कामरान का यूपी से कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वह मुंबई के चूना भट्टी पुलिस स्टेशन इलाके के न्यू महाड़ा कॉलोनी का रहने वाला है। 25 वर्षीय इमरान कक्षा 5 तक की शिक्षा हासिल किया है। सबसे बड़ी बात कि ये नशे का आदि भी है। गौरतलब है कि यूपी पुलिस के 112 मुख्यालय में गुरुवार देर रात लगभग 12:30 बजे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था और यह मैसेज यहां के सोशल मीडिया डेस्क के नंबर 7570000100 पर आया था। मैसेज में लिखा था कि CM योगी को मैं बम से मारने वाला हूं, क्योंकि वो एक देश के विशेष समुदाय और शांति दूत कहे जाने वालों के दुश्मन हैं। यह मैसेज आने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद गोमती नगर थाने में धारा 505(1), 505(6) और 507 के तहत केस दर्ज किया गया था। मैसेज रात में 12:30 बजे आया था, 12:32 पर, तो महज 19 मिनट के अंदर ही 12:51 पर FIR दर्ज किया गया था। रविवार को मुंबई ATS ने कामरान को गिरफ्तार कर लिया और उसे UPSTF को सौंप भी दिया था। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं है, इसके बाद एक और ट्विस्ट आती है इस स्टोरी में। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जब कामरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद यानी कि गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस को एक और धमकी भरा फोन कॉल आया है। महाराष्ट्र ATS के मुताबिक धमकी भरी यह कॉल लखनऊ पुलिस की स्पेशल मीडिया डेस्क को आई है और कहा गया है कि अब वह अंजाम भुगतने को तैयार रहें। ATS के मुताबिक एक अज्ञात शख्स ने धमकी दी है और शख्स ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी पर अब सरकार को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। UPSTF ने यह जानकारी महाराष्ट्र ATS के साथ शेयर की, जिसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर 20 वर्षीय सैयद वहाब को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इस शांति प्रिय समुदाय में इतना असंतोष क्यों है, और यही नहीं, अगर उनके समुदाय के किसी एक शख्स ने गलत कृत्य किया है तो बात यह है कि उसको समर्थन देने के लिए साथ देने वालों की होड़ क्यों लग जाती है। यह एक स्टडी का विषय है जिस पर की सरकार को सोचना जरूर चाहिए। और यहाँ पर सबसे विचारणीय बात यह है कि धमकी देने वाले शख्स कामरान की माँ खुद एक शिक्षिका है। अब यहाँ पर दो बात उठती है कि घर में खुद एक शिक्षिका के रूप में जब उनकी माँ हैं, तो फिर उसके बावजूद इस तरह की जो मन धड़ंग बातें हैं इस शख्स के दिमाग में कैसे आ गई कि उसने ऐसा घिनौना अपराध करने के बारे में सोचा और विशेष समुदाय के खिलाफ ऐसी बातें अपने दिमाग में लाया। और दूसरी बात ये कि क्या कहीं यही तो नहीं कि उनकी माँ खुद एक शिक्षिका है, उसी का ये नतीजा है कि आज कामरान ऐसा बना। सोचिएगा जरूर और जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में समझ में आए तो जरूर लिखिएगा। साथ ही आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि कर हमें कृतज्ञ करें। और इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।